दिवाली का पर्व नज़दीक आ रहा है। इन दिनों घर में साफ सफाई का दौर जारी है। दिवाली के दिन झाड़ू की भी पूजा होती है। इसके पीछे क्या मान्यता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। हमारा भारतवर्ष मान्यताओं का देश है। यहाँ पर अलग अलग त्यौहार अलग अलग अनुसार मनाए जाते हैं। उसी प्रकार हमारे घर की वस्तुओं में भी हम अलग अलग देवी देवताओं का वास मानते हैं। घड़े में, घर के बर्तनों में, घर की देहली पर और घर में रोज़ उपयोग आने वाली वस्तुओं में भी हम अलग अलग अनेक प्रकार के देवी तथा देवताओं का उसमें वास मानते हैं। इसी प्रकार अभी दीपावली का पर्व आने वाला है। ये प्रकाश का पर्व कहा गया है, रोशनी का पर्व कहा गया है। दीपावली आने से पहले सभी व्यक्ति अपने अपने घर की सफाई करता है, अपने घर से कूड़ा निकालता है, कचरा निकालता है और ख़राब वस्तुओं को निकालता है, उन्हें अलग रखता है। उसी प्रकार हमारे घर में एक वस्तु होती है जो कि सफाई करने में उपयोग होने वाली वस्तुओं में मुख्यतः हमारे झाड़ू कही गई हैं, जो सुबह शाम रोज़मर्रा में हमें उपयोग आती हैं। वो ख़राब हो जाती हैं तो उसे किस प्रकार फेंकना चाहिए, उसमें किस देवता का वास होता है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कहा गया है कि लक्ष्मी जी का वास हमारे घर पर जो झाड़ू होती है उसमें लक्ष्मी जी का वास कहा गया है। इसलिए हमने देखा है कि लक्ष्मी पूजन के दिन हमें झाड़ू लाना चाहिए और झाड़ू की भी पूजन होती है। तो किस प्रकार हमें झाड़ू का पूजन करना चाहिए और कब हमारे घर पर अगर ख़राब हो गई हो झाड़ू, जो टूट गई हो, उसे कब हमें अपने घर से बाहर निकालना चाहिए, उसका भी दिन कहा गया है। जिस प्रकार लक्ष्मी के प्रवेश का दिन कहा जाता है, उसी प्रकार जो अलक्ष्मी होती है तथा टूटी हुई वस्तु होती है उसे निकालने का दिन कहा गया है, समय कहा गया है। धनतेरस आ रही है, धनतेरस के दिन हमें झाड़ू का विशेष कर पर घर पर लाना चाहिए। और अगर धनतेरस ना हो, त्यौहार ना हो, तो उसके पश्चात हम झाड़ू को शुक्रवार के दिन भी घर में ला सकते हैं। वो झाड़ू ला कर करके भगवती देवी का, लक्ष्मी का झाड़ू के स्वरूप में पूजन करना चाहिए। उसे कुमकुम अक्षत आदि लगाना चाहिए, शुद्ध जल का छिड़काव करना चाहिए और कलावा बांधना चाहिए। वो झाड़ू को देवी लक्ष्मी का प्रतीक मान करके उनका पूजन करें। धनतेरस के दिन हमें झाड़ू लाना चाहिए। उसके पश्चात ये लक्ष्मी जी का पूजन में भी झाड़ू का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार अगर घर में झाड़ू लाते हैं तो घर में समृद्धि बनी रहती है, देवी लक्ष्मी का सदैव वास रहता है। तो इसी प्रकार अगर हमारे घर के यहाँ का झाड़ू टूट गया या ख़राब हो गया हो तो उसे किस दिन घर से बाहर निकालना चाहिए, इस पर भी शास्त्रों में कहा निहित समय बताया गया है। अमावस्या का दिन हो, शनिवार का दिन हो और सूर्य या चंद्र ग्रहण लगा हो या हमारे घर में सूतक का अवस्था हो गया हो, उस दिन हमारे घर से झाड़ू को निकाल देना चाहिए। और झाड़ू को निकालने के पश्चात ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर किसी के पैर न लगे, किसी पेड़ के सहारे नहीं रखना चाहिए किसी तथा झाड़ू में अगर कभी भी गलती से भी पेड़ लग जावे तो उनको प्रणाम करना चाहिए और देवी लक्ष्मी से समायाचना करना चाहिए।